उनके सरकार में कितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है कुछ बताना चाहिए आपको स्पष्ट। सनातन धर्म के नाम पर कैसे अधर्मी है भाजपा के नेता। और संगीत सोम जो भाजपा का नेता है, उत्तर प्रदेश का है, वह देश के बड़े बीफ निर्यातकों में से है। प्रवचन किसको दे रहे हैं? बीफ का निर्यातक आप, कई गुना वृद्धि उसमें आप कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग कर दी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर करीब 2 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को इस्लामीकरण करने की वजह बताया है और बिहार सरकार से इसे बैन करने की मांग कर दी है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था। सरकार ने यह दलील दी थी कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से जो भी मुनाफा होता है वह इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए करते हैं, आतंकवाद को फंडिंग करने के लिए किया जाता है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है। वहीं आपको बता दें, हलाल सर्टिफिकेशन करने वाली कंपनी सरकार द्वारा संचालित नहीं की जाती है, यह एक निजी कंपनी है, जिसको लेकर बिहार के डेप्यूटी CM तेजस्वी यादव की तरफ से भी बयान आया है। उनसे जब पूछा गया कि हलाल सर्टिफिकेशन पे उन्हें क्या कहना है, गिरिराज सिंह ने इस तरह का वीडियो पोस्ट किया है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तो बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जिन लोगों को उत्तर प्रदेश में बिहार में नौकरी मिली है वह उनसे पूछें, क्योंकि मंदिर में घंटा बजाने से कुछ नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने BJP पर एक बार फिर से तंज कसा है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में। यूपी के लोग बिहार आ रहे हैं कि नहीं नौकरी पाने? यूपी के लोग ही जो नौकरी जिनको मिला है वो क्या कह रहे हैं? इस्लामिक आतंकवाद बता रहे हैं इसको गिरिराज सिंह। सरकार उनकी है ना, उनके सरकार में कितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है बताना चाहिए आपको स्पष्ट। वहीं तेजस्वी यादव के बाद अब JDU के नेता नीरज कुमार ने भी BJP पर तंज कसा है, निशाना साधा है। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश के नेता संगीत सोम जो कि BJP के हैं, उन पर बीफ निर्यात का लंबा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है वह देश के बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं। जो सनातन धर्म की बात करते हैं वह देश में बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने संगीत सोम पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है सनातन धर्म की बात करने वाले बीफ के एक्सपोर्टर हैं, जो लोगों को तंज कसते हैं बीफ इस्तेमाल करने पर, बीफ खाने पर। सुनिए नीरज कुमार ने भी क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में। सनातन धर्म के नाम पर कैसे अधर्मी है भाजपा के नेता। 2023 के अक्टूबर तक 1475,000 मैट्रिक टन बीफ का निर्यात कर रहे हैं। निर्यात में कई गुना की वृद्धि हो गई। और संगीत सोम जो भाजपा का नेता है, उत्तर प्रदेश का है, वह देश के बड़े बीफ निर्यातकों में से है। प्रवचन किसको दे रहे हैं? बीफ का निर्यातक आप, कई गुना वृद्धि उसमें आप कर रहे हैं, आमदनी उससे अधिक कर रहे हैं और सनातन धर्म की परंपरा का प्रवचन दे रहे हैं। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।